May not the issue involved in this case, my lord, the whether electricity duty would be applied to the government of India. Yes. Yesterday, my lord, I failed to answer some of the query put forth by this honorable court. Yes, my lord, they see here. Thanks, sir. I tell God. बताइएगा आपके कमर्शियल कनेक्शंस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं एमईएस पे? सर कमर्शियल कनेक्शंस आर इंक्लूडिंग ऑल दी एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग इन कमर्शियल सर ऑल आर बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय एंड आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिफेंस एम्प्लॉय ओनली मत सर बताइए, आप तो जो सवाल है उसको समझने की कोशिश करिए पहले। सर सर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, यस सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी करती है जिसके लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन लगता है? सर कमर्शियल एक्टिविटीज टू इंक्लूड सर वी हैव अ मिलिट्री हॉस्पिटल सर हाँ, दैट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। माय लॉर्ड एक सेकंड, वेट, लेट हिम आंसर। सर एज पर एमपीएससीबी वी हैव टू डिफरेंट हेड सर वन इज ऑल द क्वार्टर्स इन विच मैरिड आर्मी मैन आर लिविंग सर वी कॉल देम डोमेस्टिक पर्पस सर रेस्ट एवरीथिंग इज अंडर लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया What is एक्टिविटी the classification given by the electricity authority for taking a domestic connection and a commercial connection? सर फॉर डोमेस्टिक कनेक्शन ऑल दोज मैरिड अकोमोडेशन आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक कनेक्शन सर और रेसिडेंशियल यूजर्स अनमैरिड को डोमेस्टिक नहीं, अनमैरिड विल नॉट बी सेट टू बी इन अ डोमेस्टिक अकोमोडेशन, ऐसा है क्या? सर अगर एक बैचलर है वो रहता है आपके क्वार्टर में तो वो क्या जो है डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं कहलाएगा? सर बिकॉज जो ऑल दोज हु आर लिविंग अनमैरिड सर दे आर नॉट इन अ क्वार्टर सर दे आर लिविंग इन अ लाइन बैरक काइंड ऑफ बैरिक, तो यस बैरिक में क्या कमर्शियल एक्टिविटी होती है जिसके कारण उनको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा? बैरक आर नॉट इंक्लूडेड इन कमर्शियल एक्टिविटी दे आर रेसिडेंशियल, दे आर डोमेस्टिक कनेक्शंस सर बट वी आर नॉट गिविंग देम बिल सर दे आर नॉट ऑथराइज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल सर नहीं, दे मे नॉट बी ऑथराइज टू पे, दैट इज नॉट ऑथराइज। यू आर नॉट चार्जिंग द रेसिडेंट्स ऑफ द बैरक एंड यू आर बियरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन द बैरक्स, यस सर ठीक है? सर तो बट विल इट मेक इट अ कमर्शियल कनेक्शन? नो सर। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है समझ लीजिए, एफिडेविट फाइल करिए। कितने दिन में एफिडेविट फाइल करेंगे? पहले आप नॉर्म्स बताइए कि एमपीवी की क्या नॉर्म्स है डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, कमर्शियल कनेक्शन के लिए, और आप क्या एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए कमर्शियल कनेक्शन लिए गए हैं, आप बताइए मैडम जी। माय लॉर्ड दिस बाइफर्केशन हैज बीन मेड बाय द एमपीवी। तो क्या बाइफर्केशन है, समझे, उनसे भी समझ लेंगे ना। तो दे विल आंसर मतलब हाउ यू आल्सो आंसर बिकॉज़ यू आर यूजिंग दोस कनेक्शंस। ऐसा तो नहीं है कि आप बिगर, अगर आपका ये कंटेंशन है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, देश के लिए वो चिंताजनक बात है कि आप बिगर समझे पेमेंट कर रहे हैं। सर अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कौन सा कनेक्शन कमर्शियल है कौन सा डोमेस्टिक है और व्हाई शुड यू पे फॉर कमर्शियल, वी आर सेइंग वी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर exempted from any वो समझ गए, वो आपकी कल आर्गुमेंट हो चुका है। With permission of my lord may permit me to read once article 287 हां पढ़ लिया, कल पढ़ लिया था, फिर पढ़ लिया आप, my lord allow me to read once, प्लीज पढ़िएगा। यस लेकिन पहले मेरी बात का उत्तर आना चाहिए कि कमर्शियल कनेक्शन क्यों लिया है आपने? हमने लिया नहीं है, इन्हें बाइफरकेट किया है। आपने कभी अप्लाई नहीं किया कनेक्शन के लिए? हमने तो इनका 6.1 कनेक्शन लिया। यू नेवर अप्लाइड फॉर अ कमर्शियल कनेक्शन? सर हमने इनसे लिया है 2LT कनेक्शन 244 क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक इज फॉर डिफरेंट पर्पस। यस सर व्हेन वी सर हां बताइए, व्हेन वी सर व्हेन वी जॉइंट सर्वे वाज कैरीड आउट बिटवीन एमपीएससीबी एंड एमईएस सर सो दे ओनली केम अप विद द कंक्लूजन दैट ऑल दोज अकोमोडेशन व्हिच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय मैरिड पीपल आर टू बी कंसीडर्ड एज वेयर इज दैट पंचनामा, वेयर इज दैट जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सर? मेलोट हां यू हैव ब्रिंग इट, प्लीज ब्रिंग इट। Married, my lord, 287. हाँ पढ़िए। And
I would also request my lord, if my lord come to page 21 of their reply also. पहले 287 पढ़ना है कि पहले पेज 21 पढ़ना है? पहले मैं 287 पढ़ूंगी, एस्टैब्लिश करूंगी इससे. पढ़िएगा. यस, क्लॉज ए पढ़ रही हूँ सर. क्लॉज ए जी. कंज्यूम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माय लॉर्ड आई एम हियर कंज्यूम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ आई कैन टेक माय लॉर्ड्स पेज 21 ऑफ देयर रिप्लाई. जी हु इज द कंज्यूमर? नहीं, और सोल्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज नॉट एंड फॉर पर्पज. यस आई अंडरस्टैंड. यस माय लॉर्ड. और फॉर यस सोल्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजम्पशन बाय दैट गवर्नमेंट. नाउ हियर द defining well, line is consumption. Who is the consumer? That is why I am just reading the language of the constitution. My lord, consumed by the government of India or, I am not going to or, I am here only, my lord. Consumed by government of India. Yes. Now bill they have enclosed, my lord, may come to page 21 of their reply. Page 21, yes. Yes, my lord. My lord. Page 21 of their reply. Yes. My lord, may see the bill has been issued in whose name? The connection which have been taken, my lord, to STA. And 244 LT, the bill is being issued in the name of. Nein, therefore, it is necessary to understand the assistant garrison engineer. Yes, that I have understood. Yes. Now you are required to demonstrate. Yes, my lord. दीजिए आपकी report दीजिएगा. Serial number 6. So my lord, here the consumer is government of India. How they are concerned? We are concerned. Even court is concerned. How you are using it? जी यस सर, इन दिस रिपोर्ट इन सीरियल नंबर 6 सर, दे हैव मेंशन दैट वी हैव 157 डोमेस्टिक कनेक्शन फॉर दिस क्वार्टर्स बिकॉज सेपरेट मीटर इज देयर एंड 87 नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन विच दे आर कंसीडरिंग एज कमर्शियल. ऑन दैट बेसिस दे आर चार्जिंग दी. आपसे जो बात उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है दैट अनलेस यू ऑब्टेन सेपरेट कनेक्शंस फॉर द यूज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर transmitting the electricity energy to other consumers, you will be liable to pay the duty on the bulk of it. The day you separate the connections and the one which are used for your purposes from the one which is for which bills are raised and energy is used by some other persons, other beneficiaries may be under you, then duty will be payable only on that part of the electricity so consumed. This is what they have said. Sir. Now, have you bifurcated your connections? Sir, we have bifurcated, and in this joint survey also, sir, it was identified that which are domestic and which are non-domestic. So, we are just paying the electricity duty, sir. It is their responsibility to give the separate bills so that we can pay them separately, sir. ओके ठीक. यस लॉर्डशिप, काइंडली सी द लॉर्डशिप इन आर रिप्लाई लॉर्डशिप इन पैरा नंबर 6 लॉर्डशिप में वन सीन लॉर्डशिप देयर आफ्टर वी रेफर द नेक्स्ट लॉर्डशिप पैरा नंबर 5 लॉर्डशिप पैरा नंबर 5 जी. That the petitioner is having two numbers of the high tension connection and 244 number
नंबर लो टेंशन कनेक्शन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट नंबर टू द पिटिशनर हैड अप्लाइड फॉर टेरिफ कैटेगरी एचवी 6.1A बल्क रेसिडेंशियल यूजर फॉर टू नंबर एसटी कनेक्शन एज पर देयर पर्पज ऑफ यूज एज पर द ऑर्डर ऑफ द मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टेरिफ शेड्यूल एलटी एंड एसटी कंज्यूमर्स आज प्रोवाइडेड वेयर अंडर टेरिफ शेड्यूल एचवी 6.1 इज फॉर बल्क रेसिडेंशियल यूजर दिस प्रोवाइड्स एज अंडर एंड सो एंड सो हियर इज अ मेंशन लेटशिप टेरिफ शेड्यूल 46th एप्लीकेबिलिटी द टेरिफ कैटेगरी एच वन इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई टू इंडस्ट्रियल आर एनी अदर टाउनशिप दैट द यूनिवर्सिटी आर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल एमएस एंड बॉर्डर विलेजर्स इटीसी फॉर डोमेस्टिक पर्पज ओनली सच लाइटिंग फैंस हीटिंग प्रोवाइडेड दैट कनेक्टेड लोड ऑफ एसेंशियल कॉमन फैसिलिटीज सच आर नॉन डोमेस्टिक सप्लाईज रेसिडेंशियल एरिया स्ट्रीट लाइटिंग शैल बी विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड एज अंडर वाटर सप्लाई एंड सीवेज पंपिंग हॉस्पिटल नो लिमिट नॉन डोमेस्टिक कंज्यूम्ड एंड अदर जनरल पर्पज पुट टुगेदर 20% ऑफ द टोटल कनेक्टेड लोड लर्डशिप एंड नेक्स्ट लर्डशिप इन पैरा 6 में सी दैट द पिटिशनर इज हैविंग 244 नंबर्स एलटी कनेक्शन आउट ऑफ बीच 157 नंबर्स कनेक्शन आर डोमेस्टिक कनेक्शन एंड 87 ऑफ देम आर द नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल कनेक्शन आपका कंटेंशन ये है लर्डशिप की MES गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए आर्टिकल 287 से आपका जो ड्यूटी का क्लेम है वो बार्ड है आपने ऐसा कहां बताया कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कनेक्शंस लिए गए हैं वो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही अन्य पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है बिकॉज पिटिशनर हैज यूजिंग द बल्क यूजर लर्डशिप एंड देयरफॉर एज पर बल्क यूजर लर्डशिप कमर्शियल बिल हैज बीन कंज्यूम्ड एंड एज पर वी हैव मेंशन लर्डशिप इन द रिप्लाई इन आल्सो कहीं डिस्टिंक्शन है कि आर्टिकल 287 में कमर्शियल और डोमेस्टिक का No lordship. In the consumer का dispute है, lordship. Distinction है, that if government of India is using that electricity, then no duty will be payable. आपने तो ऐसा कहीं बताया ही नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बल्क जो है लेकर किसी अन्य को बेच रहे हैं नहीं बेच नहीं रहे हैं लेकिन जहां कमर्शियल एक्टिविटीज और डोमेस्टिक दोनों साथ में चल रही बल्क यूजर वहां कमर्शियल एक्टिविटीज की ही ईडी लगेगी ऐसा ऐसा रूल्स में है हाँ बताइएगा रूल पढ़िएगा तो आपने क्या सेपरेट किए कनेक्शन की हमने सेपरेट बाइफरकेटेड कर दिए ज्वाइंट वेंचर मीटिंग में बहुत सारे कनेक्शन ऐसे हैं जो बाइफरकेटेड नहीं हो सकते हमने आपसे कहा बाइफरकेटेड कर सकते हैं क्या तो बोले कि नहीं दोनों ज्वाइंट वेंचर में तो जब दोनों बाइफरकेटेड नहीं हो सकते तो एज पर रूल जो बाइफरकेट नहीं होंगे उसमें तो ड्यूटी लगेगी हाँ तो जो उसी में हम ले रहे हैं अच्छा हाँ तो जो डोमेस्टिक कनेक्शन में नहीं ले रहे नहीं डोमेस्टिक कनेक्शन में अलग ले रहे हैं लेकिन जो कमर्शियल सेपरेट है उसमें हम नहीं ले रहे हैं लेकिन जो बाइफरकेटेड नहीं हो रहा है उसमें एज पर रूल्स हम उसमें ईडी ले रहे हैं क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटीज में ही काउंट होगा वो जैसे एग्जांपल के लिए ओआईसी इज आल्सो कम लक्षित बिल बुलाइए ना ओआईसी को आपके कौन है ओआईसी हेलो टिल देयर ओआईसी कम्स वेरी सबमिट आने दीजिए आने दीजिए सुन लेते हैं आपको भी सुन रहे हैं अभी आपको हम बताइए सर इसे मान लीजिए कि बाइफरकेटेड कर दिया बाइफरकेटेड करने के बाद कमर्शियल जो बल्क यूजर है उसमें कैसे बन सर इसमें मुख्यतः दो तरह के बाइफरकेशन है एचटी और एलटी मैं एलटी की बात से चालू करता हूँ एलटी में जो घरेलू कनेक्शन है ना डोमेस्टिक कनेक्शन है उसके ऊपर ड्यूटी हम चार्ज कर रहे हैं जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है जिनको अपन कमर्शियल दूसरी भाषा में कह रहे हैं उन पे हम ड्यूटी चार्ज नहीं करते हैं कर रहे हैं यह मानते हुए कि गवर्नमेंट जो यूजर है ये कंज्यूमर है वो अपने कामों के लिए यूज कर रहा है दो अफ्रीकन इसमें एलटी में कोई विवाद नहीं सर डोमेस्टिक पे ले रहे हैं नॉन डोमेस्टिक पे नहीं ले रहे हैं अब हम आते हैं इनकी ओर से भी कोई विवाद नहीं सर ले रहे हैं ये रिकवरी 59 लाख लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट जी एलटी में कोई विषय नहीं है सर क्योंकि वो बाइफरकेटेड है जी वो डोमेस्टिक वाले अलग है तो डोमेस्टिक में हम ले रहे हैं जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है उस पर हम नहीं ले रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर अब बात आती है सर एचटी के ऊपर एचटी के दो कनेक्शन इनके पास में है और ये दो कनेक्शन जो है जो टैरिफ जो हमारा कैटेगरी है एचवी 6 उसके अंतर्गत लिए गए हैं एचवी 6 ये कहता है बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस ओनली और उसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटी की रिस्ट्रिक्शन भी डली हुई है 20% तक कमर्शियल एक्टिविटी अपन तक ही लिमिट करना है उसके ऊपर जाओगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी तो एच टी में क्लियर कट ये लिया हुआ है कि क्योंकि वो मिक्स लोड है हम वाइफरगेट नहीं कर सकते एमईएस भी खुद उस कनेक्शन को पर